उधर भीषण गर्मी में जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में एक साध्वी ने अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर कई दिनों तक हठ तपस्या की। आग के बीच में बैठकर तपस्या करने वाली साध्वी अर्चना गिरी है। आखिर क्यों तपती गर्मी में आग के बीच साध्वी ने कठिन तपस्या की, ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो क्या है इसके पीछे का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण गर्मी से परेशान है, जहां लोग गर्मी के मारे व्याकुल होते जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे साधु संत हैं जो इस प्रचंड गर्मी में भी अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके न सिर्फ साधना कर रहे हैं बल्कि सनातन का एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। अनादि की भी पहुंचा है बाराबंकी के मलौली गांव में, जहां पर एक भगवान शिव का मंदिर है और जहां पर दो ऐसे साधु संत आए हैं जिसके बाद से यहां पर लोगों का जो उनके बीच में भ्रांतियां विद्यमान थी वो दूर हो गई हैं। और अब इस स्थान को अगर कहें तो ये भक्ति और आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। हमारे ठीक पीछे जो आप स्थान देख रहे हैं, इसी स्थान पर उन साध्वी ने पिछले 41 दिनों से अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके एक कठिन तप और तपस्या की है। क्या है पूरी बात, क्यों आके साध्वी ने की ये तपस्या और इस शिव मंदिर को लेकर क्या यहाँ पर विद्यमान थी भ्रांतियां जिसको अब इन दो साधुओं ने दूर किया है, जुड़े रहिए अनादि टीवी के इस आध्यात्मिक सफर में और देखिए पूरी कहानी। मंदिर है लेकिन शिवलिंग को लेकर गांव में ऐसी भ्रांति फैली कि ग्रामीण धीरे धीरे इस मंदिर से दूर होते चले गए। दरअसल स्थानीय लोगों का ये मानना था कि यदि वे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो उनकी असमय मौत हो जाएगी। इस भ्रामक जानकारी के बाद मंदिर वीरान हो गया था, लेकिन महादेव ने इस भ्रांति को दूर करने के लिए नागा साधुओं को गाँव में बुला लिया, जिसके बाद यहाँ की तस्वीर बदल गई। मंदिर के बारे में क्या है यहाँ बताते हैं कि पहले कोई रुकता नहीं था, रुक नहीं सकता था। हाँ, जब से महाराज जी आए तब से यहाँ पर पूरा सब लोग टिक गए और बहुत महात्मा आए और यहाँ बहुत लोग खत्म भी हो गए, चले गए। तो ये सब खंडहर पड़ा था, जब से महाराज जी आ गए तब से पूरा ये मंदिर पुराना है, अब नया बना हुआ है। तो महात्मा जी और माता जी यहाँ पर तपस्या करके बहुत अच्छा सा मंदिर बन गया, पूजा पाठ होती बहुत अच्छा लगता है। हर सोमवार को जो है भंडारा भी होता है और ये महात्मा जी और माता जी बहुत अच्छे। अच्छा, माता जी पहले तो यहाँ कोई आ नहीं पा होता है? नहीं, यहाँ पर ये पूजा होती ही नहीं थी। ये जो है मंदिर ठीक से बनवाया गया, बहुत पुराना, बुजुर्गों का है, सात पीढ़ियों का है, अब बना हुआ। इस कारण से अब इसमें बहुत अच्छी सी पूजा होती है, महत्वपूर्ण। वहीं जब इस भ्रांति के बारे में साध्वी अर्चना गिरी को जानकारी मिली तो उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रण ले लिया, साथ ही विशेष पूजा अर्चना के लिए एक स्थान का चयन किया जहां पंचकोण आकार में कंडे की अग्नि लगाकर अर्चना गिरी ने 41 दिनों तक धुनी रमा ली। इस दौरान महिला भक्तों ने उन्हें मिट्टी का लेप किया। इस कठिन पूजा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके बाद अब भक्त भी बढ़ चढ़ कर सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। पहले यहाँ पर भ्रांतियाँ थी कि जो भी यहाँ जल चढ़ाता है उसकी मस्त हो जाती है, सत्यानाश हो जाता, बर्बाद हो जाता। लेकिन जिस दिन से हम आए हुए हैं, हमारे भोलेनाथ ने हमको सब कुछ दिया, सब कुछ पूरा किया, ना कोई कमी आई आज तक, ना कोई, ना यहाँ पर खेत है ना जमीन है, बहुत प्राचीन स्थान है ये, जर्जर अवस्था में था। हम यहाँ पर आ करके उनको सिद्ध किया और यहाँ पर कठोर साधना किया। भोलेनाथ कृपा से हमारी साधना में कोई दिक्कत नहीं। हमारा डीएम ने डीएम के आदेश के अनुसार हमारा चेकिंग भी, उन्होंने पूरा प्रशासन वाला सहयोग किया, रोड टीम आती थी डॉक्टर टिकट, लेकिन हमारे कोई भी जरा सा भी हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं निकली और बहुत विधिवत हमारी पूजा संपन्न हुई। मंदिर के प्राचीनता के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंदिर में जब मैं आया था तो मंदिर में अरबी में लिखा हुआ था जो मैं नहीं जानता था, और लोगों ने जब मैंने फेसबुक पर वायरल किया तो लोगों ने बताया ये अरबी में मारल मंत्र लिखा हुआ है और जो भी यहाँ पूजा करेगा वो मर जाएगा। वो मारल मंत्र आज भी विराजमान है, लेकिन अब उसके ऊपर पेंट चला दिया गया, लेकिन उसका पेंट हटाकर कभी भी देखा जा सकता है। 41 दिनों तक चली कठिन तपस्या के बाद
साध्वी अर्चना गिरी भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वही प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। साथ ही साध्वी अर्चना गिरी की इस कठिन तपस्या की जमकर सराहना कर रहे हैं। सनातन धर्म मतावलंबियों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जब उन्हें अपना पथ प्रदर्शक यानी कि गुरु मिल जाता है तो वो अपने भक्त के मार्ग पर चल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बाराबंकी के इस मलौली गांव में, जहां पर तमाम ये भ्रांतियां विद्यमान थी। यहां पर आकर जो कोई शंकर भगवान की पूजा करता है उसकी मृत्यु हो जाती, उसका निधन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहुंचे दो नागा साधुओं ने न सिर्फ इस निर्जन स्थान को भव्य बनाने का प्रयास किया है, बल्कि यहाँ को लेकर, यहाँ आसपास के लोगों को लेकर इस बात को भी जानकारी दी कि भक्ति करने से अगर मोक्ष प्राप्त होता है तो वही असली मोक्ष होता है। बहरहाल अब यहाँ पे इन साधु महात्माओं के प्रयासों से लगातार लोगों का यहाँ पर आना जाना पड़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अब जो कुछ स्थान कुछ समय पहले निर्जन पड़ा रहता था, अब वहां पर चहल पहल हो रही है, आरती हो रही है, लोग आते हैं, अपनी अपनी मनौती मांग रहे हैं। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।